नमस्कार, सच कहू न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज के मुख्य समाचार। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे से मिले पीएम मोदी, सुरक्षा सहित कई अहम मुद्दे पर हुई चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गणतंत्र दिवस पर भारत आने का न्योता ठुकराया। लोकसभा चुनाव से पहले जातीय संतुलन साधने की कवायद, कई नई चेहरे होंगे शामिल, कईयों की हो सकती है छुट्टी। नहीं रहे दिल्ली के पूर्व सीएम मदन लाल खुराना, 82 साल की उम्र में हुआ निधन। डीआरआई की बड़ी कार्रवाई, 48 घंटे में जब्त किया 100 किलो सोना। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को यहां जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं की इस बैठक का मकसद आपसी रिश्तों को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे की यामानाशी में मुलाकात हुई है। दोनों नेता भारत जापान रिश्तों को और गहरा करने के लिए बातचीत करेंगे। शिंजो आबे के साथ पीएम मोदी ने यामानाशी के औद्योगिक रोबोट विनिर्माता कंपनी फानुक के कारखाने का दौरा भी किया है। ये कारखाना टोक्यो के पश्चिम में यामानाशी प्रीफेक्चर में है। सूत्रों के अनुसार पीएम ने अपने जापानी समकक्ष को रोज और येलो क्वार्ट्स के दो पत्थरों के कटोरे भेंट किए हैं। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के हथकरघों द्वारा बुनी गई दरियों को भी उन्हें उपहार के तौर पर दिया है। इन्हें खास तौर से पीएम के जापानी दौरे के लिए बनाया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गणतंत्र दिवस के मौके पर चीफ गेस्ट के रूप में भारत आने के मोदी सरकार के नियतों को ठुकरा दिया है। अमेरिकी अधिकारियों ने इस संबंध में हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को एक पत्र सौंपा है। माना जा रहा है कि इस पत्र में ट्रंप ने आ सकने का खेद जताया है। माना जा रहा है कि इस कारण अमेरिका में कुछ राजनीतिक कार्यक्रम और ट्रंप का स्टेट ऑफ यूनियन संबोधन है, जो 26 जनवरी से कुछ दिन पहले या ठीक उसके बाद निर्धारित हो सकता है। वहीं इस मुद्दे पर ट्रंप की प्रतिक्रिया उनके पूर्ववर्ती राष्ट्रपति बराक ओबामा के विपरीत है, जो वर्ष 2015 में तमाम घरेलू जिम्मेदारियों के बावजूद गणतंत्र दिवस पर भारत आए थे। ट्रंप ने यह न्योता ऐसे समय पर ठुकराया है जब भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में तनाव आया है। इस तनाव की मुख्य वजह रूस के साथ भारत का रक्षा समझौता और ईरान से तेल का आयात है। लोकसभा चुनाव की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी संगठन के भीतर के कील कांटे दुरुस्त करने में जुट गई है। अटकलें हैं कि चुनाव से पहले ही छोटी छोटी जातियों को लुभाने के लिए उत्तर प्रदेश के कई चेहरों को योगी सरकार में जगह मिल सकती है। चर्चा ये भी है कि सरकार बनने के बाद संगठन से सरकार में गए कुछ पदाधिकारियों की वापसी भी हो सकती है, क्योंकि संघ भी उनके कामकाज के नतीजों से खुश नहीं है। बीजेपी सूत्रों की माने तो दिवाली के आसपास योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। लगभग एक दर्जन नए चेहरों को जगह मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही बीजेपी पर जातीय संतुलन साधने का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों यहां आयोजित किए गए पिछड़े सम्मेलनों में भी इस बात की आवाज उठी थी कि दलित, ओबीसी और अन्य पिछड़ी जातियों के नेताओं को योगी सरकार में जगह दी जाए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना का निधन हो गया है। वे 82 साल के थे। खबरों की माने तो शनिवार रात लगभग 11 बजे उनका निधन हुआ है। दिल्ली के कीर्ति नगर स्थित अपने मकान में उन्होंने आखिरी सांस ली। मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना ने ट्विटर के जरिए यह जानकारी दी है। मदन लाल खुराना पिछले कुछ सालों से ब्रेन स्ट्रोक की वजह से कोमा में थे। डॉक्टर लगातार इनका इलाज कर रहे थे। इसी साल अगस्त में उनके बड़े बेटे विमल खुराना का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ था। मदनलाल खुराना बीजेपी के कद्दावर नेता थे। दिल्ली की राजनीति में वो लंबे समय तक सक्रिय रहे। वे 1993 से 1996 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। 2001 में उन्हें राजस्थान का राज्यपाल भी बनाया गया था। खुफिया निदेशालय ने देश भर में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। डीआरआई की टीम ने तस्करी का 100 किलो सोना पकड़ा है और इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसे एक भूटानी नागरिक है। डीआरआई के मुताबिक त्योहारों के चलते सोने की बहुत ज्यादा डिमांड है। डीआरआई के मुताबिक नई दिल्ली, सिलीगुड़ी, बेंगलुरु, चेन्नई और
मदुरै में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर सोने की ये बड़ी खेप बरामद की गई है। ये मुहिम काले धन और सोने की तस्करी को रोकने के तहत चलाई गई है। 26 अक्टूबर को सिलीगुड़ी से दो लोगों को एक वाहन के साथ पकड़ा गया और इनके पास से 55 किलो सोना मिला है। ये सोना पड़ोसी देशों से तस्करी कर लाया गया था। गाड़ी के ड्राइवर सीट के नीचे कैविटी बनाकर छुपाया गया था। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी ने आखिरकार जनता कांग्रेस जोगी का हाथ थाम लिया है। हालांकि जोगी कांग्रेस की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। शनिवार को रेणु जोगी की ओर से कोटा विधानसभा सीट नामांकन फॉर्म खरीदा गया है। उधर कांग्रेस ने भी रेणु जोगी के पाला बदलने की कोशिश को बिल्कुल भी तोड़ नहीं दिया है। कांग्रेस के सीएम इन वोटिंग और नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंह देव ने कहा कि रेणु जोगी असमंजस में है। वो ये फैसला नहीं कर पा रही हैं कि कांग्रेस में बनी रहे या फिर किसी दूसरे दल में प्रवेश करें। कांग्रेसी नेताओं को आशंका है कि कोटा विधानसभा सीट से टिकट दिए जाने के दबाव बनाने के लिए जोगी खेमे की ओर से नामांकन फॉर्म खरीद रहे हैं। उनके मुताबिक कांग्रेस को मैसेज देने की कोशिश की गई है कि यदि उन्हें कोटा विधानसभा सीट से टिकट नहीं दी गई तो वह पार्टी छोड़ देंगी। फिलहाल जोगी कांग्रेस की ओर से रेणु जोगी के नामांकन फॉर्म खरीदी के मामले ने राजनीति गर्मा दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम के दौरान विपक्षी पार्टियों की वंशवादी राजनीति पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पहले देश में प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री जन्म देते थे, लेकिन बीजेपी ने इसे बदल दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि हमारा देश गरीब जनसंख्या वाला समृद्ध राष्ट्र है, क्योंकि जिन्होंने देश पर पहले राज किया था उन्होंने सिर्फ अपने परिवार को लाभ दिया है। नितिन गडकरी ने भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है। ये वो पार्टी नहीं है जो जाति, धर्म और भाषा के आधार पर राजनीति नहीं करती है। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बड़े नेता थे, लेकिन बीजेपी कभी उनके या लालकृष्ण आडवाणी के नाम से नहीं पहचानी गई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सच कहूं न्यूज के साथ।